आशीर्वाद सभी को। नमस्ते किसी ने नहीं बोला। सभी लोग खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube पे। तो ये जहर 12 हमें गंगोली आटी बज गए हैं, ये साफ कर लो। स्वागत है आपका अपने छोटे से YouTube फैमिली ग्लैंस ऑन पहाड़ पर। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, अपना व्लॉग मैं आज गंगोली हाट यानी कि अपने ससुराल से शूट कर रही हूँ और अभी तो मैं गंगोली हाट पे ही हूँ, बट अभी हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, जानने के लिए बने रहिए पूरे व्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं गई थी अपने मायके पगफेरे की रस्म के लिए। बाकी आने के वहाँ से आने का व्लॉग मैं शूट नहीं किया मैंने, और मेरे व्लॉग भी थोड़ा लेट ही अपलोड हो पा रहे हैं क्योंकि एडिटिंग करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब टाइम कम मिल पा रहा है। सो मैं करते रहिए, आज तो हम जाएंगे घूमने के लिए, सो बने रहिए व्लॉग में एंड तक। दोस्तों, हमारा ये बैग पैक हो चुके हैं और कमल भी पैक हो चुके हैं। क्या बोलो कुछ, आशीर्वाद सभी को। नमस्ते किसी ने नहीं बोला। सभी लोग खुश रहो। तो नमस्ते तुमको बोलना। चलो जल्दी। तो दोस्तों, हो गई हमारी जाने की तैयारी और मैंने स्वेटर भी डाल लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो धूप की वजह से मतलब बाइक में ठंडा भी होएगा। तो हम बाइक में जा रहे हैं और चलते हैं फिर। ये लेके आ गए धन्नो को। धन्नो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी। हम जाएंगे हमारी धन्नो में, हम पूरा सफर धन्नो का करेंगे ना। आज का सफर धन्नो से, रोज का सफर। रोज का? हाँ, रोज का कैसे करेंगे? करेंगे ना अच्छे से। अच्छे से बाय 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 पूरी गंगोली। हाँ, धूप से मेरा मुंह भी जल जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, जो बिखरे हुए बाल हैं वो सिकुड़ जाएंगे। फिर मैं चंपू लगूंगी, बोलो। फिर लग जाऊंगी मैं चंपू राजा, इससे अच्छा मुंह बांध लो। यस, अब तो तुम वो लग रही हो, ये तो फिसल जैसा जा रहा है। फिर अब तुम पापा की परी लग रही हो। मैं आपकी परी हूँ यार। तो ये जहर 12 हमें गंगोली आटी बज गए हैं, देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज हम। वाओ, गजरदस्त पहाड़ियाँ। क्या मस्त लग रही है यार, पूरी कवर भी नहीं हो पा रही ना। फिर
इस रूट से मैं पहली बार जा रही हूँ। वैसे आधे तक तो गई हूँ, दूनी तक गई हूँ, उसके आगे नहीं गई हूँ। नहीं, घाट तक गई हूँ, घाट तक। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये जो एरिया है ना, ये एरिया चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचे और हम यहाँ पे कुछ खाएंगे भी। मतलब यहाँ से बापरू कुछ किलोमीटर आ गया ना, बापरू मतलब बाप के पीछे से रूह हटा लो। नहीं, बाप के पीछे रूह जोड़ लो, रूह जोड़ लो, हटा लो बोल दो। तो वहाँ है, यहाँ पे हम मैगी बनवा रहे हैं, मैगी खाएंगे। तो ये हमारी मैगी आ गई। अभी सुनो, अभी इतना ही खाते हैं, फिर वहाँ खाएंगे लोहागढ़। खाते रहेंगे ना तब मजा आएगा। चलो खाओ, बताओ कैसी हो रही है। पूछना है मेरे से कैसी हो रही है। कैसी हो रही है? Awesome, amazing. तो हमने खा लिया, मैगी खाई हमने, और अब खतरनाक ही बन गया हम। और बहुत अच्छी मैगी भी बनाई थी, एकदम स्पाइसी वाली। ग्लव्स नहीं मिलेगा। अब हम निकल रहे हैं लोहागढ़ को। कत्तई वाला मजा आ रहा है मेरे को। क्या हुआ? कत्तई वाला मजा आ रहा है। हाँ चलो फिर चलते हैं, आपको वहीं मिलेंगे अब लोहागढ़ में। हाँ, वैसे हम ना अभी फर्स्ट टाइम अभी रुके गंगोली आर्ट से सीधा, लगभग 100 किलोमीटर चले। हाँ, क्योंकि रुकने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर अभी थोड़ी भूख सी लगी ना, इसलिए रुक गए। चलिए फिर चलते हैं अभी। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं लोहागढ़। ये पहुँचे हम लोहागढ़, लोहे का पानी पीने के लिए। लोहे का पानी पीने के लिए इतना घूमना पड़ा यार। सुबह से 3 घंटे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ लोहे का पानी पीने के लिए। ये है आपका लोहागढ़। बस अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंह बात नहीं की। अब ये ले लिया। दोस्तों हम पहुंच गए चंपावत। कुछ लोग एक्चुअली पहुंचा दिए, और यहाँ पे लेके आए हैं पूरा। ये साफ कर लो। ऑसम, अमेजिंग, मस्त। यहाँ से टडकपुर 74 किलोमीटर, रुद्रपुर 164। ओ माई गॉड। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 6:30, और हमें अभी झनकट में, और हमारी शक्ल भी हो गई झनकट जैसी। बहुत ही गर्मी हो रही है यार। सच में। और यहाँ पर से हमने जूस वगैरह पी लिया, थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर हम निकलेंगे झनकट से अपनी डेस्टिनेशन की सितारगंज। अब हम जाने वाले हैं सितारगंज। फिर देखो उसके बाद कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम चलते रह रहे हैं ना जहाँ पहुँच गए। तो चलते हैं हम सितारगंज। मौसमी का जूस पी रहे हैं। ये गर्म पानी, ये पी रहे हैं गर्म पानी, और हालत तो एकदम खस्ता हो गई यार सच में। ये भैया बना रहे हैं मौसमी का जूस, फिर हम पियेंगे, थोड़ा प्यास बुझाएंगे। चक्की चक्की चल, चक्की चल, चल चक्की चल। कत्तई जहर। चलो
ज़्यादा गर्म होता है। हम 12 बजे लगे थे गंगोली आर्ट से, अभी कितना बजने वाला है? 8:15 हम रुद्रपुर पहुँच जाएंगे। 8 बजे पहुँच जाएंगे हम रुद्रपुर। तो मतलब हमारा आज का टारगेट ये था कि हम जहाँ पर हमें अंधेरा हो जाए वहीं पर रुकेंगे। तो हमें रुद्रपुर में ही अंधेरा, मतलब वैसे ही हाँ हो गया, बट रुद्रपुर तो अब जाना ही है, तो वहीं हम रुकेंगे आज। फिर कल देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो फिर कल का ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि असल में हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे खुद हमें नहीं पता है अभी कहाँ जाना है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रुद्रपुर, और अभी हम एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे खाएंगे खाना, पंजाबी हांडी। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे रहने के रहने के लिए। तो चलते हैं फिर, आपको इसको पूरा दिखा देते हैं। कहाँ जाओगे रहने के लिए? दोस्तों ये हमारा खाना है आज, मैंने तो कंप्लीट कर लिया, इन्होंने भी कंप्लीट कर लिया, मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी। तो हम खा पी के फिर जाएंगे रूम पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रूम पे, और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। और खाना डिनर हमारा हो गया वहीं, कौन से कहाँ पर किया था हमने, पंजाबी हांडी ना, दिखाया था आपको मैंने वहाँ पे किया था। फिर हम सीधे आ गए रूम पे, और अब हम यहाँ रुकेंगे आज, फिर जाएंगे कल को। तो बहुत मुश्किल भी नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हुआ, अच्छा लगा। और मैंने फर्स्ट बार बाइक पे इतना ट्रैवल किया है, तो अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। बाकी थोड़ा सर में पेन जैसा हो रहा है, ठीक हो जाएगा, और हालत एकदम डाउन डाउन सी होगी, बहुत थकान भी लग गई है। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नींद भी बहुत लग रही है, 10 बजने वाला है, और अब हम सो जाएंगे। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।